वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर लाल दिखाई दे रही बटन को क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बगल में दिखाई दे रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे सारे लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। ओ सॉरी, कैमरा ऑन हो गया था, पता ही नहीं चल रहा था। तो फिलहाल आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस नहीं बताऊंगा, ना ही आपको कोई सिक्योरिटी टिप्स दूंगा, बल्कि आपको एक ऐसे टिप्स के बारे में जानकारी दूंगा जो YouTube से रिलेटेड है। यदि आप नए क्रिएटर्स हैं और आपके सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, आपके व्यूज़ नहीं हैं, तो ये वीडियो आपके लिए रियली हेल्पफुल साबित हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं अपने 7 महीने की जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और कुछ ऐसे छोटे मोटे टिप्स दूंगा जिससे आप डेफिनेटली सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ जो है वो गेन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको चैनल से रिलेटेड भी कुछ ऐसे टिप्स के बारे में भी जानकारी दूंगा जो शायद आप में से बहुत कम क्रिएटर्स को पता होगा, या फिर बहुत से ऐसे जो नए क्रिएटर्स आने वाले हैं यूट्यूब पर आने के बारे में सोच रहे हैं, तो उनके लिए भी ये जो है वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस वीडियो में YouTube से रिलेटेड कुछ जानकारियां आप लोगों के साथ मैं बिल्कुल डेफिनेटली 100% शेयर करूंगा, लेकिन ये वीडियो पार्ट बाय पार्ट होगा। आज मैं आप लोगों को फर्स्ट पार्ट बताऊंगा, नेक्स्ट सैटरडे आपको सेकंड पार्ट बताऊंगा, और फिर उसके नेक्स्ट सैटरडे मैं आपको जो है थर्ड पार्ट बताऊंगा। तो 3 पार्ट में ये वीडियो होगा, ये जानकारी आपको सबसे पहले दे देता हूँ। हम बात करें अगर YouTube पर चैनल बनाने की, तो YouTube पर चैनल बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। YouTube पर किस तरीके से चैनल बनाते हैं उसके वीडियो मैंने बना चुका है, आपको आई बटन पर जो उसके लिंक मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन पर भी उसके लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं कि चैनल किस तरीके से बनाया जाता है। मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको चैनल बनाना है तो किस टॉपिक पर बनाना है। मैंने अपना चैनल बनाया था टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो शेयर करने के लिए, जो चीज़ मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर और भी ऐसे चीज़ें हैं जो मैं करता हूँ, जो मैं करूँगा। तो यदि आप YouTube पर चैनल बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो आप एक पर्टिकुलर एम को लेकर काम करिए। यदि आप कॉमेडी से रिलेटेड वीडियोस बनाना चाहते हैं तो आप अपने चैनल का इस तरीके से नाम रखिए कि उस नाम का कोई दूसरा चैनल आपके YouTube पर अवेलेबल ना हो। जैसा कि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे चैनल का नाम पहले मैंने सोचा था पवन ओझा। बाद में मैंने जब पवन ओझा सर्च किया तो मुझे बहुत सारे चैनल्स के नाम मिल गए, पवन ओझा किसी में लोगो थे किसी में नहीं थे। तो मुझे लगा कि नहीं यार, यदि मैं पवन ओझा बना लेता हूँ तो मुझे जो ज़्यादा लोग सर्च नहीं कर पाएंगे और उनको खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि पवन ओझा रियल में है कौन। हालांकि वो भी रियल है, मैं ये नहीं कहता कि वो फेक यूज़र्स हैं या फिर फेक क्रिएटर्स हैं, लेकिन मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें अगर मैं कहूँ कि भाई मुझे यूट्यूब पर सर्च करो पवन ओझा के नाम से, तो उन्हें तो ऐसे ही 15-20 नंबर्स मिल जा रहे हैं। अब उस 15-20 में से वो किसको सब्सक्राइब करें, किसको चुने, तो ये जो है सबसे बड़ी पॉइंट हो जाती है। तो मैंने जो है वो YouTube पर कुछ सर्च किया, कुछ देखा, कुछ जाना, उसके बाद मुझे याद आया कि टेक्निकल गुरुजी और शर्मा जी टेक्निकल के बारे में। शर्मा जी टेक्निकल का नाम, जैसे मैंने सोचा कि शर्मा जी ने अपना तो सरनेम का नाम रखा है तो क्यों ना मैं भी अपना सरनेम के बाद जो टेक लगा देता हूँ, और इसी को लेकर जो मैंने पवन ओझा टेक नाम रखा। पवन ओझा टेक नाम रखने के बाद कुछ दिनों बाद मैंने अपने चैनल को सर्च किया तो फाइनली जो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही रिजल्ट मिलता है जो कि पवन ओझा टेक का होता है। अब पवन ओझा टेक जैसे ही मैं सर्च करता हूँ या कोई और सर्च करता है, आप खुद सर्च करके देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ एक चैनल मिलेगा जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरा ही चैनल है। उसके नीचे आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे ही वीडियोज़ मिलेंगे। इसके पीछे रीज़न यही है, आप अपने चैनल का कीवर्ड इस तरीके से सर्च करिए, इस तरीके से रिसर्च करिए कि आपके नाम के कोई दूसरे चैनल या फिर दूसरे टॉपिक पर ना हो। अगर मैं बात करूं टेक्निकल गुरुजी का, तो टेक्निकल गुरुजी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था जो कि धनंजय भोसाल के द्वारा जो लिया गया था, उसमें बताया कि वो अपने चैनल का नाम पहले रखना चाहते थे टेक गुरु, लेकिन टेक गुरु जैसे उन्होंने सर्च किया तो बहुत सारे नाम मिल जाते थे, उनके साथ साथ जो कुछ कुछ चैनल्स पर जो टीवी शोज भी चलते थे टेक गुरु के नाम से, तो उन्होंने टेक गुरु को हटाकर टेक्निकल गुरुजी रख लिया, जो नाम हालांकि देसी है क्योंकि उनका काम भी जो बिल्कुल देसी है। वहाँ पर वो हिंदी में ही सारे टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन कर देते हैं जो कि वंडरफुल है, आई अप्रिशिएट इट, और यही काम जो वो हमेशा करते हैं। तो आपको अपने चैनल का नाम ऐसा रखना है कि आपको जो इजीली फाइंड किया जा सके।
दूसरी चीज़ यह है कि आप अपने चैनल के लिए हमेशा एक परफेक्ट लोगो बना के रखें, जिस लोगो को आप बार बार चेंज ना करें। यदि आपने एक महीने पर एक लोगो बनाया, दूसरे महीने दूसरा लोगो बनाया, तीसरे महीने तीसरा लोगो बनाया, चौथे महीने चौथा लोगो बनाया, ऐसे करते करते यदि आप हर 3 महीने में, 4 महीने में, 10 महीने में लोगो चेंज करते हैं, तो लोगों को यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो जाएगी कि रियल पवन ओझा या फिर रियल वॉट एवर यू, तो ये प्रॉब्लम जो है वो हो जाएगी। तो ये चीज़ हो गई कि लोगो कैसे बनाएं, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा। तो लोगो, चैनल आर्ट्स और थंबनेल किस तरीके से बनाते हैं, उसका भी लिंक मैंने कार्ड में दे दिया है और डिस्क्रिप्शन पर भी आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं कि आप लोगो कैसे बना सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है चैनल से रिलेटेड कि आपका जो चैनल आर्ट्स होना चाहिए वो इतना बेहतरीन होना चाहिए कि लोग वहाँ पर आने के लिए अट्रैक्ट हों, लोगों को वहाँ पर आने से खुशी मिले, उनको जो अमेजिंग फील हो कि आपने ये चैनल आर्ट्स को किस तरीके से बनाया है, आखिर इस चैनल आर्ट्स का जो डिज़ाइन है वो कैसे आपने बनाया है। तो चैनल आर्ट्स के भी डिज़ाइन मैंने बनाकर उसके लिए वीडियोस बनाकर जो पोस्ट कर दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और आपको आई बटन पर भी जो मिल जाएगा। तो ये तो हुई चैनल से रिलेटेड 3 टिप्स के बारे में। चौथी टिप्स चैनल से रिलेटेड एक चीज़ बता देता हूँ कि आपने बहुत बार देखा होगा इस तरीके का फोटो जो कि दिखता है, अब ये कैसे सेट करते हैं ये वीडियो मैं आपके लिए बाद में बना दूंगा, लेकिन ये भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप यदि YouTube पर आते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को या फिर सब्सक्राइबर्स को इनवाइट करते हैं सोशल मीडियाज़ पर आने के लिए, तो वो जो है इस लिंक को सीधे फॉलो कर कर आपके सोशल मीडियाज़ लिंक पर जो वो पहुंच सकते हैं और इस तरीके से आप वहां पर फॉलो कर सकते हैं। तो ये थे चैनल से रिलेटेड 4 टिप्स। अब हम बात करते हैं व्यूज़ कैसे बढ़ाएं और सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाएं। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है नए क्रिएटर्स में कि आखिर में हमें व्यूज़ कैसे मिलेगी। तो व्यूज़ दोस्तों आपको ऐसे मिलेगी कि आप यदि कभी भी वीडियोज़ बनाते हैं, चाहे वो कभी भी बनाए, सुबह बनाए, शाम को बनाए, रात को बनाए, कभी भी बनाए, सबसे पहले आप नेट पर जाइए, रिसर्च कीजिए कि आखिर में व्हाट इज़ ट्रेंडिंग इन द वर्ल्ड, चाहे आप कॉमेडी सीरीज से बात करें या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात करें या फिर किसी और चीज़ों से रिलेटेड बात करें, तो आप नेट पर जाकर सर्च कर लीजिए कि कौन सी चीज़ अभी के डेट में ट्रेंडिंग है। यदि आप टेक्नोलॉजी से बिलोंग करते हैं या टेक्नोलॉजी का चैनल आपका है, तो आप नेट पर जाइए व्हाट इज़ ट्रेंडिंग इन टेक्नोलॉजी वर्ल्ड, ऐसा सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे रिजल्ट मिल जाएंगे। उनमें से किसी एक को पिक कर लीजिए, उस टॉपिक को डिफाइन कीजिए, उस टॉपिक के बारे में समझिए और उसी टॉपिक पर वीडियोस बनाइए। तो ऐसे अगर आप कर दिए और ये वीडियो बिना शेयर किए हुए यदि 10 लोगों ने देख लिया ना, तो मैं तो कहता हूँ कि ये सुबह होते होते कम से कम 1 लाख तक भी पहुँच सकते हैं, क्योंकि उस वीडियो पर आपने सबसे पहले वीडियोज़ बनाए हैं। याद रखिएगा, सबसे पहले आप ही को उस ट्रेंडिंग पर वीडियोज़ बनाकर उसे यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करना है कि आपने जो वीडियोस बनाए हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं बल्कि अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, अपने व्यूवर्स के लिए बनाए हैं। तो ये चीज़ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है यूट्यूब पर व्यूज़ बढ़ाने का कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर हमेशा वीडियोस बनाएं। दूसरा ये कि व्यूज़ आपके इस तरीके से आ सकते हैं कि आपकी वीडियो की क्वालिटी के साथ साथ ऑडियोज़ की क्वालिटी और वीडियो की एडिटिंग क्वालिटी जो सबसे बेस्ट होनी चाहिए। आप वहाँ पर वीडियो एडिटिंग कुछ भी करते हैं, चाहे आप लोकल सॉफ्टवेयर से करें या ब्रांडेड सॉफ्टवेयर से करें, यहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि आप कौन से सॉफ्टवेयर से करते हैं। इम्पॉर्टेंट इज़ दैट कि आपका सॉफ्टवेयर या फिर आपके द्वारा एडिटिंग किया हुआ वीडियो किस तरीके से लोगों के सामने दिखता है। यहाँ पर अगर हम बात करें व्यूज़ को लेकर, तो एडिटिंग और वीडियोज़ जो सबसे मेन थिंग होता है व्यूज़ लाने के लिए। बात करें अगर सब्सक्राइबर्स की, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ बता दूं कि सब्सक्राइबर का गेन करने का कोई भी ऐसा जरिया नहीं है कि आप गेन नहीं कर सकते। बहुत से तरीके हैं यहाँ पर सब्सक्राइबर्स गेन करने का। आप हमेशा अपने जो भी टॉपिक्स होते हैं उन टॉपिक्स को एकदम सीरीज वाइज अच्छे तरीके से शॉर्ट एंड स्वीट में समझाने की कोशिश करें। आप अगर अनबॉक्सिंग करते हैं तो उसको एकदम क्लियरिफिकेशन के साथ, बेस्ट ओपिनियन के साथ वीडियोज़ को शेयर करें, लोगों को बेस्ट ओपिनियन दें, इससे आपके सब्सक्राइबर्स वो डेफिनेटली गेन होंगे। यदि आप वीडियोस कॉमेडी से रिलेटेड बनाते हैं, तो वहाँ पर आपको जो वो व्हाट्स पीपल डिमांडिंग फ्रॉम यू, उस चीज़ को ध्यान दीजिए कि आपसे लोग किस बारे में डिमांड कर रहे हैं, क्या चीज़ वो चाहते हैं आपसे, व्हाट इज़ एक्सपेक्टिंग दे फ्रॉम यू। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि आपके सब्सक्राइबर्स, आपके व्यूवर्स आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ यही है यूट्यूब पर आने के लिए। मैं ये वीडियो जो वो एक स्पेशल रिक्वेस्ट पर बना रहा हूँ। जो तो एक अगर मैं बात करूं बेसिकली बड़े बड़े यूट्यूबर्स का, तो उनका काम यही है। आप उनके चैनल्स पर जाकर देख सकते हैं कि उनका जो काम होता है वो बिल्कुल कंसिस्टेंसली होता है। वहां पर अगर हम बात करें किसी अनदर यूट्यूबर्स की, कल एक चैनल पर विजिट किया, वहां पर विजिट करने के बाद मुझे कुछ ऐसे कंटेंट्स मिले जो कि मुझे नहीं लगता कि उसके चैनल पर होने चाहिए, क्योंकि उस चैनल पर आपको मेरे रश्के कमर गाने मिल जाएंगे,
वहाँ पर संदीप महेश्वरी जी का जो है मोटिवेशनल वीडियोस मिल जाएंगे, कपिल शर्मा का कॉमेडी सीरीज़ मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ी गाने मिल जाएंगे, हिंदी टॉपिक्स पर गाने मिल जाएंगे, बड़े बड़े कॉमेडियंस के वीडियोस मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये एक गलत तरीके से आप जो है वो उस क्रिएटर की मेहनत को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ पर जो जेनवली काफ़ी मेहनत किया है, महीनों की स्क्रिप्ट होती है उनकी कि किस तरीके से हम यहाँ पर एक्टिंग करेंगे, वो सारी चीज़ें उनकी मेहनत होती है। उस मेहनत को आप पल भर में जो डाउनलोड करके उसे अपने चैनल पर पोस्ट कर देते हैं, ये जो बिल्कुल मिसलीडिंग है। आप यहाँ पर जो बिल्कुल गलत कर रहे हैं मेहनत करने वाले क्रिएटर्स के साथ। आप यदि यूट्यूब पर आते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए, तो मैं तो कहता हूँ कि मत आइए यूट्यूब पर पैसे कमाने के लिए। आप यूट्यूब पर किसी एक पर्टिकुलर एम को लेकर आइए, क्योंकि यूट्यूब ऐसा जरिया है कि आप यहाँ पर किसी भी एम को लेकर आइए, आपका सारा सपना जो पूरा होगा। लेकिन उसके पीछे एक ही तरीका है कि आपको यहाँ पर कंसिस्टेंसली काम करना होगा। अगर हम बात करें मेरी या फिर किसी और यूट्यूबर्स की, तो हम जो है वो अपने व्यूवर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को वही चीज़ देना चाहते हैं जो वो रियली चाहते हैं। हम ऐसी चीज़ों को उन्हें नहीं देंगे जो वो नहीं चाहते। तो वही चीज़ें हैं कि यदि आप चैनल बनाते हैं, तो आपको सबसे पहले जो वो चैनल की डिज़ाइन जो परफेक्ट होनी चाहिए, सबसे बेस्ट होनी चाहिए, आपको लगना चाहिए कि आपका चैनल आपके लिए बेस्ट है। दूसरी चीज़ ये है कि व्यूज़ के लिए मैंने बता दिया कि ट्रेंडिंग पर ध्यान दीजिए। सब्सक्राइबर्स की अगर बात करें, तो हमेशा जो कोलैबोरेशन को ध्यान दीजिए। यदि आप छोटे क्रिएटर्स हैं, आपके सब्सक्राइबर्स अप्रॉक्सीमेटली 5,000, 10,000 या फिर 20,000, 25,000 तक हो गए हैं या फिर 1,50,000 तक हो गए हैं, आप कोशिश कीजिए बड़े यूट्यूबर्स के पास कॉन्टैक्ट करने का, उनके साथ एक वीडियो कोलैब कीजिए। उनको कहिए कि सर ये वीडियो आप अपने चैनल पर डालिए और मेरे चैनल के लिंक जो डिस्क्रिप्शन में डालिए। डेफिनेटली आपको जो 100% मैं कहता हूँ कि सब्सक्राइबर्स मिलेंगे ही मिलेंगे। इस तरीके से मैंने देखा है बहुत से यूट्यूबर्स क्रिएटर्स को बढ़ते हुए। अगर हम बात करें अपने गौरव भैया, जिनको नाम से जाना जाता है टेक्निकल गुरु जी, तो उन्होंने भी सबसे पहले यही काम किया कि उन्होंने शर्मा जी टेक्निकल का सहारा लिया। पावल शर्मा जी का चैनल पर उन्होंने अपना 3 से 4 वीडियो जो स्टार्टिंग में पोस्ट कराए। पोस्ट कराने के बाद उन्होंने देखा कि उनके वीडियोस पर जो काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, तो उन्होंने शर्मा जी से कॉन्टैक्ट किया। शर्मा जी से कॉन्टैक्ट करने के बाद जो अपना खुद का चैनल बनाया, जिसका नाम रखा टेक्निकल गुरु जी। और आज के डेट में आप देख सकते हैं कि शर्मा जी टेक्निकल से जो ज़्यादा व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स उनके हैं। मैं ये नहीं कहता कि शर्मा जी टेक्निकल यहाँ पर जो वो कम ग्रोथ कर रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर क्या होती पता है, इम्पॉर्टेंट ये होती है कि यदि आप किसी मोबाइल का रिव्यू कर रहे हैं, मान लीजिए मैं इस मोबाइल का अगर रिव्यू करूँ, तो इस मोबाइल के रिव्यू अगर हम करते हैं आज, कल के डेट में मोबाइल लॉन्च हुआ, आज हम रिव्यू करते हैं, तो इस मोबाइल का रिव्यू जो मुश्किल से 2 महीने तक चलेगा, लोग 2 महीने तक इसको सर्च करेंगे। लेकिन यदि वही चीज़ों के बारे में अगर मैं बताऊं कि हाउ डज वर्क वाईफाई, तो लोग उस चीज़ को जो है ज़्यादा सर्च करेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों के मन में जो क्रियोसिटी होती ना, वो कभी ख़त्म नहीं होती। आज मैं गया चैनल पर हाउ डज वाईफाई वर्क्स, कल फिर एक बंदा आया, परसों फिर आया, ऐसे करते करते साल 1.5 साल तक लोग बंदे जो है उसको सर्च करते रहते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान दीजिए कि आपका वीडियोस कौन से टॉपिक पर होना चाहिए। तो यही कुछ टिप्स थे यूट्यूब पर आने के लिए। मेरा कहने का मतलब, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं सारे डिटेल्स जो है वो कमेंट में आप लोगों के साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और कुछ बंदे ऐसे भी हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब करके, कमेंट करके या व्हाट्सएप के द्वारा चैट करके भी बोला कि भाई हमारे चैनल पर व्यूज़ नहीं आते, मोनेटाइजेशन एनेबल नहीं होता, सब्सक्राइबर्स नहीं आते। तो मैं उन्हें एक ही चीज़ बोलता हूँ कि भाई काम करो, फल की चिंता मत करो, फल आपको डेफिनेटली मिलेगा। आप अपने काम पर फोकस करो, सब्सक्राइबर्स को मत गिनो, व्यूज़ को मत देखो। आप जितना बेहतर काम करेंगे, उतना जल्दी आपके सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स जो हैं वो बढ़ेंगे। अगर मैं बात करूँ अपनी, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मैं अपना 100% दे रहा हूँ। लेकिन कुछ कमियों के वजह से या फिर कुछ चीज़ों के वजह से जो मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, वो अलग मैटर करता है। लेकिन मैं अपने सेटिस्फैक्शंस के साथ, अपने सब्सक्राइबर के सेटिस्फैक्शन के लिए जो काम करता हूँ, वो मेरे लिए 100% है। तो यही चीज़ें आपको करनी है। अगर हम बात करें एक एग्जांपल, एक यूट्यूब चैनल के बारे में जिसका नाम है फ़ोन रडार, जिसको अमित सर चलाते हैं, तो उनका अगर मैं बात करूं, तो वहां पर आज के डेट में 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि 6 साल पुराना चैनल है, लेकिन आज उनके चैनल पर 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन उनका जो काम करने का तरीका है, जो उनका पैशन है टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए चीज़ों के बारे में एक्सप्लोरेशन का, वो सैल्यूट है बॉस। क्योंकि आप सब्सक्राइबर्स के पीछे यदि भागेंगे, तो कोई मतलब नहीं है दोस्तों। आप अपने पैशन को जो वो प्रेजेंट करिए लोगों के सामने, आप सब्सक्राइबर्स और पैसे के पीछे भागेंगे, तो कोई भी मतलब यहाँ पर नहीं निकलता है।
सबसे बड़ी चीज़ है यूट्यूब पर आने के लिए कि कंसिस्टेंटली आपको काम करना है, आपके सब्सक्राइबर्स आपके व्यूवर्स के मुताबिक आपको काम करना है, क्या चीज़ ट्रेंडिंग पर है उस चीज़ को आपको लोगों को दिखाना है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर करना है, कोलैब कीजिए, मीटअप्स कीजिए, उनसे मिलिए, उनसे बात करिए, उन्हें मोटिवेट कीजिए, उन्हें यूट्यूब पर आने के लिए इन्वाइट कीजिए। बहुत से ऐसे तरीके हैं जिनसे आप व्यूज़, सब्सक्राइबर्स और भी बहुत सी चीज़ें जो है यूट्यूब पर सक्सेस कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित रहा होगा। जो नए क्रिएटर्स हैं जिनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं यूट्यूब पर, और जो नए क्रिएटर्स आने वाले हैं उनके लिए भी तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ यूट्यूब पर। वो बिल्कुल है यूट्यूब पर आने के बाद अपने करियर जो आसानी से बना सकते हैं, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन मैंने जो टिप्स बताया उस टिप्स को फॉलो करके आप डेफिनेटली जो है यूट्यूब पर आ सकते हैं। इन्हीं चीज़ों को आपको ध्यान देना है और टाइम टू टाइम आपको प्रॉपर अपने वीडियोज़ हैं वो अपलोड करने पड़ेंगे। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो YouTube पर आने चाहते हैं, और यदि आपका कोई भी YouTube से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप ऐसे टिप्स और सिक्योरिटी टिप्स, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जानकारी, इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे आपको एक लाल बटन दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन पर नहीं, स्क्रीन के नीचे आप जाएंगे तो आपको एक लाल बटन दिखाई दे रहा होगा जिस पर सब्सक्राइब लिखा होगा, तो उस बटन को क्लिक करके बगल में घंटी के आइकन जो दिखाई दे रहा होगा उसको टैप कर दीजिएगा, जिससे हमारे सारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर या नोटिफिकेशन बार पर जो है मिल जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नौ एक्साइटिंग वीडियोस के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, दिस इज पवन ओझा शाइनिंग ऑफ।